बहन जी जल्दी करो, वरी की टोकरी तैयार की कि नहीं? बैठी किस्मत, ये क्या हो गया? आधा छोड़कर सो गई, क्या कर दिया मैंने? चुन्नी पूरी किए बिना ही लुढ़क गई, सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब कुड़ी को क्या भेजूंगी? सारी जिंदगी का मलाल रह जाएगा। क्या करूं रब्बा, क्या करूं मैं? चुन्नी बहन जी आओ, जरा शगुन का सामान देख लो। बहन जी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें कुछ छूट गया है? अगर से बदल जा, मेहर का दिल आ गया है। रहने दे, ये मेरी मां की निशान, अब मेरे पास यही रास्ता बचा है। रणवीर के डैड तो बोले थे कि डायमंड का सेट भी अभी डाल दो, पर मैंने कहा लड़की कनाडा जा रही है, अपनी चॉइस का खुद ही लेटेस्ट डिजाइन सेलेक्ट कर लेगी। ओहो बहन जी, बातों बातों में टाइम का पता ही नहीं चला, अब तक तो चूड़े की रस्म भी शुरू हो गई होगी। मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, और शगुन का सामान ध्यान से लेके जाना। ये आशीषों वाली चुन्नी हमेशा तुझे फले फूले महे, मेरी हिस्से की सारी खुशी मैं तेरी झोली में डाल। माँ बाप थोड़ा बहुत लाते हैं बाजार से, लेकिन चूड़ा माँ में ही चढ़ा है। 21 लाल सफेद चूड़ियां माँ में दुल्हन के दोनों हाथों में पहना। लेकिन इतनी चूड़ियां पहनकर कोई काम कैसे करेगा? वही तो, दुल्हन 40 दिन तक ये चूड़ियां पहनती है, तब तक ससुराल वाले उसे कोई काम नहीं कराते। बस आराम कर। हाँ ठीक है। सहेली बहने आगे बढ़ो, दिलेरे बनाओ भी दुल्हन को। तुझे पता है दुल्हन की बहनें सहेलियां कलीरें लेकर आती हैं चूड़ी के साथ बांधने के लिए। बुजुर्गों की दुआएं, बहनों की दुआएं, सहेलियों की दुआएं चूड़े और कलीरों में रहती है। ऐसा कहते हैं अंजलि, तू भी पहनेगी। ये ना वरी का सामान है लड़के वालों की तरफ से, देख ले भी कुड़िये सब फिटफाट है भी के नहीं, पसंद है ना तुझे? बहन जी ये सब देख लेगी, आप मेरे साथ आओ, बताओ मिलनी में क्या क्या देना है। हाँ ये भी ठीक है, चल तू। तेरे लिए ऐसे ही हूबहू चुन्नी लाऊंगी, कहां से भी लेकर, जरूर लेकर। भूलना नहीं है, वरना मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी और फिर मैं शादी नहीं करूंगी। भूली नहीं तू बेबी, वादा पूरा कर ही दिया, अब तो कोई बहाना ही नहीं छोड़ा तूने मेरे पास इस शादी से भागने का। तो सच में मेरी माँ, मेरी सब कुछ। आज बहुत बड़ा दिन है, मेहर की नई जिंदगी की शुरुआत है। उसकी झोली में हमेशा दुआएं भरकर रखना,
मेरी बच्ची की आंखों में आंसू कभी भी ना आए। ले, तू इधर बैठी है। चुन्नी पूरी हो गई? दे दी पुत्र। लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? मेहर के घर जा, काम में हाथ बटा। तू कुछ बोलता क्यों नहीं? जा ना। बेबे, एक बात बहुत परेशान कर रही है मुझे। तुझसे पूछा भी था, तूने जवाब नहीं दिया। क्या क्या हो गया है मुझे? ना तो कुछ खाया जाता है और ना ही नींद आती है। दिल करता है कि कहीं भाग जाऊं मैं यहां से। चल, इस बात को ना यही खत्म करते हैं, मेहर के घर चलते हैं। तू ना उसको जाकर जप्पी डाल ले। चल चल, जल्दी चल। चल ना। मैं नहीं जा सकती, ऐसे कैसे चली जाऊं? तू जाना चाहती है ना बेबे? देख, मैं अच्छे से जानता तू जाना चाहती है। बोलना बेबे, बेबे बोलना। तू क्यों नहीं जाता? रस्म खत्म होने के बाद जाएगा? समीर, देख पुत्र, सब ध्यान से देखना। मेहर कैसे लग रही थी, कब वो शर्माई, कब हंसी, कब उसके आंखों में आंसू आए, कब उसने अपनी बेबे को याद किया। जब तू देखेगा ना, मुझे ऐसे लगेगा जैसे मैंने अपनी आंखों से देख लिया। इस माँ के कलेजे को ठंडक पहुंच जाएगी। जा पुत्र, जाके आ, मुझे सब कुछ बता। क्यों मेहर और अपने आप को इतनी बड़ी सजा दे रही है तू बेबे? गलती तो मेरी थी ना। तू समझता क्यों नहीं पुत्र? अगर मैं वहां जाऊंगी तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। मैं ही जानती हूं कि कैसे मैंने अपने दिल पर पत्थर रखा। तू तू जा, अच्छे कपड़े पहनकर जाना। जा पुत्र, देर हो जाएगी। पार्सल रवाना हो गया? जी सर, पार्सल रवाना कर दिया था, अब तक तो पहुंच गया होगा। शुक्रिया सर। घर पे बात कर लेता हूं। मैंने देखा होगा तो हैरान हो गई होगी। काश मैं वहां होता। हेलो माते, मैंने पार्सल भेजा था, मिला कि नहीं? हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्या भेजा था? तू रुक, मैं ठहर के बात करती हूँ, यहाँ पे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। शादी का बैंड बज रहा था पीछे। ये मेरी माँ किसकी शादी में गई है? गांव में कोई शादी ब्याह हो और मेरी माँ मुझसे जिक्र ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। बैंड बज रहा था, फिर मिला के देखता हूं। कमाल है, फोन नहीं उठाया मेरा। पड़ गया कलेश, आगे ठंडक। मैंने तो पहले ही कहा था, इतनी जल्दी मत मचाओ शादी की मां बेटा। अरे पहले वाला मामला तो सलटने देते, पर नहीं। अरे कम से कम डाइवोर्स पेपर तो हाथ में आने देते। और सब कुछ तो सेटल हो गया था, और ये नालायक बोला था कि मान गए हैं। लॉयर ने बोला था कि साइन करने के लिए पेपर भिजवा दिए। अब क्यों मुंह लटका के बैठे हो? क्यों मना कर दिया शेरी ने तुम्हारे डाइवोर्स पेपर पे साइन करने से? अरे मुझे क्या पता, आप ही तो वो नमूना लेके आए थे मेरे लिए। शादी कर ले, शादी कर ले, दो साल नहीं टिकी। वो मैटर नो अबाउट दैट नाउ। हां, इसमें नॉट नो की क्या बात है? उन लोगों को पता चल गया कि तेरी दूसरी शादी कर रहे हैं हम, इसलिए वो फैल रहे हैं। क्योंकि तुम माँ बेटे ओवर क्लेवर बन रहे थे। और आपको मौका मिल गया हमें कोसने का। एक बार शादी हो लेने दो, कनाडा जाकर देख लेंगे। बिना शेरी से डाइवोर्स लिए ये शादी नाजायज है।
कि रणवीर पहले से शादीशुदा है तो जेल जाओगे सारे। अरे कौन जेल भेजेगा हमें, इस देश में कोई कानून नहीं है। वैसे भी शेरी इंसान तो वहां बैठी ना कनाडा में, क्या बिगाड़ लेंगे हमारा। ये शादी इलीगल है, गैर कानूनी है। क्यों नहीं समझते तुम दोनों माँ बेटे, हमारा धर्म कानून इसकी इजाजत नहीं देता। कम से कम लड़की वालों को तो बताना ही पड़ेगा। मैं भी जाकर। अरे रुको, दिमाग खराब हो गया क्या आपका? बड़ी मुश्किल से रिश्ता हुआ है, सब फंक्शन हो चुके, बारात निकलने वाली है। अब किसको पता चलेगा कि गोलू की एक शादी हो चुकी है। इस वक्त अपना मुंह बंद रखो, चुपचाप फेरे हो लेने दो और चुपचाप निकल लो। बाद में ना शेरी के माँ बाप कुछ बिगाड़ सकते हैं और ना मेहर की। रणवीर जी की इससे पहले एक शादी हो चुकी है और किसी को पता नहीं है। बिना डिवोर्स लिए वो मेहर से शादी करेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कनाडा जाके तुम मेहर मुसीबत में फंस जाएगी, लोग उसकी जिंदगी नरक बना देंगे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। शादी रोकनी पड़ेगी किसी भी तरीके से, लेकिन कैसे रोकूं? पेपे को बताता हूँ, पेपे कुछ करेगी। बस अब इस बात को यहीं खत्म करो, पोल खुल गई तो सबकी इंसल्ट हो जाएगी। चुपचाप बारात लेकर निकलो, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। बेबे, लगता मजार से वापस नहीं आई है, वहीं जाके पकड़ता हूँ और सब बताता हूँ। उस्मी भाई तू कहाँ था यार, देर हो रही है। वो दूल्हे को बुला यार जल्दी। लेकिन ये जरूर पता है कि उसका दिल किस तरफ खींच रहा था उसको आज। वो क्या कह रहे बाबा जी, वो कौन कहां खींच रहा था बेबे को? समीर, तेरे बेबे को आज मेहर के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो वहां नहीं गई होगी। वहां ताबे में देख ले। हाँ, लेकिन हुआ क्या? क्या बताऊं आपको पापा जी, मैं भी बताएगी आपको। अटवाल साहब, क्या हो गया, इतने हाँप क्यों रहे हो? और आप इतने कर की रहे हो ना, मेयर की शादी में नहीं गए? और शादी को गोली मारो, बेबे को बुलाओ। और बेबे यहाँ कितने है? वो तो इतने आई ही नहीं, मरवा दिया यार। और बेबे यहाँ भी नहीं है तो गई कहाँ? और पर शादी का ही बैंड बज रहा था पीछे, पक्का है किसी की तो शादी में गई हुई और मुझसे जिक्र तक नहीं की। अब मेरा फोन काटे और उठा भी नहीं, कुछ तो छुपा रही। माले कोई फोन ही नहीं उठा रहा, ना बेबे ना समीर ना माँ, लगता सारे कहीं बाहर गए। लेकिन ऐसा तो सिर्फ शादी ब्याह में होता, जान पहचान में किसकी शादी हो रही? मामा,
मार दिया यार। बेबे 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 जी, आपको हमारे सरपंच साहब से मिलाते हैं। सरपंच जी, ये हमारे समधी कनाडा वाले सुरेंद्र जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके जी। मुझे भी जी। हमारे पिंड का हीरा लेके जा रहे हो जी अपने साथ? दीदी 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 दीदी, बारात आ गई। और रणवीर भी ना ठीक ठाक ही लग रहा है आपका। ओहो, थोड़ा स्माइल आप भी तो कर दो ना। कहां से लाऊं स्माइल? बेबे को याद कर रही हो ना? मैं शायद पहली दुल्हन हूं जो शादी से ज्यादा विदाई का इंतजार कर रही है। बेबे के गले लग के रोऊंगी, बहुत रोऊंगी। पता नहीं कब गले लगाऊं उसे। हेलो, कौन? हेलो समीर, मैं पूरब बोल रहा हूँ। कहाँ थे तुम सब? और ये सब लोग शादी पे गए हुए हैं। शादी? किसकी शादी? और जी मेहर की शादी और किसी की शादी? क्या, ये क्या कह रहा है? मामी ने बताया नहीं आपको? मुझे मेहर की शादी हो रही है। वो पिछले हफ्ते तो मामी ने रिश्ता तय करवाया था। तू क्या नशा वशा करके बैठा है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे सारा गांव वहां पर पहुंचा हुआ और आप कह रहे ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे लड़के वाले ना कनाडा से हैं, मम्मी के जानकार लोग हैं। मुझे बहुत जल्दी हो गया सब कुछ। आप बताओ आपको काम क्या है? मैं बहुत जल्दी में हूँ। हेलो हेलो, आप सुन रहे हो ना वीर जी? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर। ये रणवीर ना मुझे गलत बंदा लगता है। रणवीर? ये रणवीर कौन है? वो जी मेहर का मंगेतर, इसकी ना पहली शादी हो चुकी है कनाडा में। मुझे लगता है यहाँ पर किसी को पता नहीं है ये बात। ये क्या कह रहा है तू? किसी को नहीं बताओ, सिर्फ तुझे पता है। हाँ जी, वो थोड़ी देर पहले मैंने रणवीर जी को और उनकी मम्मी पापा को ना बात करते हुए सुना था। वो कह रहे थे कनाडा में ना पहली बीवी ने डिवोर्स पेपर पे साइन करने से मना कर दिया। उनके लिए मुसीबत हो गई है, अगर किसी को यहाँ पता चलेगा ना तो जेल हो जाएगी और बेइज्जती अलग से होगी। तो मेहर को यहाँ से शादी करके ना कनाडा लेके जाना चाहते हैं और उसकी पहली बीवी को ना सबक सिखाना चाहते हैं। तू घर पे क्या कर रहा है? जी मैं ना बेबे को ढूंढ रहा हूँ, बेबे को बताऊंगा तो वो कुछ करेगी ना। तू अभी जा मां और शादी रोक। वो ये क्या कह रहे हो वीर जी? और राजीना, वो पहली बहुत कलेश पड़े हुए पंचायत में, अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया ना तो गांव से बाहर निकाल देंगे इस बार। तो मेहर तेरी दोस्त है कि नहीं? हाँ जी। तो पूरी जिंदगी वो दुखी रहेगी, तुझे अच्छा लगेगा? ना जी, बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा मुझे। तो फिर तो कुछ करेगा कि नहीं? आज मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए। तो फिर अभी जा, कह दे सबको कि शादी नहीं हो सकती, बता दे रणवीर की असलियत सबको। कुछ भी कह, कुछ भी कर, लेकिन ये शादी तुड़वा अभी। समीर, तुझे समझ में आ रही है मेरी बात? तू क्या सोच रहा है? अभी जाओ, रुकवा दे शादी। तेरा बड़ा भाई आज ही आ रहा है, सब संभाल लेगा। समीर, तो अपने बड़े भाई की बात मानेगा या नहीं? जी मानूंगा, आप जो कहोगे मैं मानूंगा। तो फिर जा जल्दी।